वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। लेकिन आज करवा चौथ सेलिब्रेशन से पहले मैं आपके साथ एक स्किन केयर का बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और आज आपको पता लगेगा क्यों मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है कुछ टाइम से। तो पहले इसे देखो, उसके बाद आपको मिलती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले काफी दिनों से मैं अपना स्किन ट्रीटमेंट करवा रही थी जिसकी वजह से मैं अपना स्किन रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पा रही थी। बट काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और इतनी रेडिएंट कैसे है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आई एम फोकसिंग ऑन माई इंटरनल नरिशमेंट ऑफ माई स्किन बिकॉज आई बिलीव वॉट यू इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन। ऑल्दो गाइस, मैं ट्रीटमेंट की वजह से कोई टॉपिकल प्रोडक्ट्स तो यूज कर भी नहीं रही हूँ और मेरा मानना है कि जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो इतना इफेक्टिवली डीपर लेयर तक आपकी स्किन पर काम नहीं करते जितना कि कोलेजन सप्लीमेंट्स करते हैं। तो मैं यूज कर रही हूँ ट्रू बेसिक्स का कोलास्किन। ये मैं गाइस 2 मंथ से रेगुलरली कंज्यूम कर रही हूँ और अब आप सोच रहे होंगे कि कोलेजन होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ ना, तो जो कोलेजन होता है हमारी बॉडी में ग्लू का काम करता है जो हमारी स्किन को इलास्टिक और फॉर्म रखता है। हमारी स्किन का 70% प्रोटीन कोलेजन होता है। सो गाइस, जैसे कि आप सबको नहीं पता होगा कि जब हम अपने मिड 20s को क्रॉस करते हैं ना, तो हमारी स्किन का 1% कोलेजन लूज होता है एवरी ईयर, जिसकी वजह से एजिंग लाइक फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डलनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा कोलेजन सप्लीमेंट है तो उसको आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, ग्लोइंग रहे और एक अच्छी परफेक्ट स्किन आपको मिले। ट्रू बेसिक्स कोलास्किन एक क्लिनिकली प्रूवन कोलाजन फार्मूला है विच हेल्प्स टू रिड्यूस फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स इन जस्ट 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन। इसमें है मरीन कोलाजन पेप्टाइड्स जो स्किन को फर्म एंड प्लम रखता है गाइज, और साथ में इट ऑल्सो हैज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन ई जो स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाते हैं, एंड हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन में पानी को होल्ड करता है टू कीप इट हाइड्रेटेड। बस एक स्कूप को 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करो एंड ड्रिंक। कंसिस्टेंट कंजप्शन से मेरे स्किन में काफी डिफरेंस दिखा है। इट हैज बिकम स्मूथ एंड रेडिएंट देन बिफोर, व्हिच इज व्हाई यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई इट टू। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दिया है और साथ ही साथ वहां पर कोड को भी मेंशन किया है, जिससे कि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये स्किन केयर प्रोडक्ट? तो अपने लिए ऑर्डर कर लेना। और अब करते हैं अपना करवा चौथ का सेलिब्रेशन स्टार्ट। तो आज काफी सारे काम है। सबसे पहले तो मुझे अपनी आउटफिट को देखना है, क्योंकि साहिल ने जो है रेडीमेड ब्लाउज लेकर आए हैं, इन्होंने पता नहीं फिटिंग कराई है या नहीं कराई, तो बड़ी टेंशन सी हो रही है गाइस। चलो अभी चलते हैं और देखते हैं और क्या देखते हैं, अभी तैयार होते हैं। चलो, मेरी वाली का ज्यादा डार्क है, जो साहिल ने लगाई थी वो ज्यादा डार्क है, और ये भी ये देखो ये भी अच्छी है, बहुत सुंदर है यहाँ, पर ये वाली ज्यादा डार्क है। परफेक्ट सा कलर आया जैसा मैं चाह रही थी। अरे मैं प्रोफेशनल मेहंदी वाला हूँ भाई। ये काजल ने ज्यादा इसमें, साहिल का मैं बता दूं पार्ट कितना है, जो आपको ये चंदा मामा दिख रहा है ना अंदर गोल गोल, बस ये साहिल का पार्ट है और वही डार्क है। हाँ, और वही डार्क है। फिर देखते हैं आज क्या क्या करने वाले हैं। मेन तो मुझे इनको अपनी करवा चौथ लुक दिखानी है और वो आउटफिट पहनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड। और फिर एक सरप्राइज भी है इस ब्लॉग के बाद, जो ब्लॉग आने वाला वो बिगेस्ट सरप्राइज है, किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ वो भी अभी बता दो सब कुछ, ब्लॉग शुरू हुआ है। चलो ठीक है, ठीक। इसके नीचे तो रेड कलर का पेटीकोट चाहिए। हाँ, और स्लीव्स मुझे है। कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर है, बहुत। पर मेरे को भी ऐसे क्यों लग रहा है लूज निकलेगा ये? हाँ, स्लीव्स में मुझे फिटिंग करनी पड़ेगी। ओ, ये तो गलत हो गया यार। कोई बात नहीं, फिटिंग कर लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ थोड़ी सी। ठीक है, पहन लेती हूँ गाइस, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। एक बार साड़ी भी ओपन करके देख लो। साड़ी कितने की है? एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया जी आपने तो। छोड़ो, प्राइस में देखते हैं। टैग क्यों नहीं उतारा था? हमने तो एज इट इज रखी हुई थी। हाँ, इसके नीचे तो रेड कलर का ही पेटीकोट चलेगा, अब वो भी ढूंढते हो। आप जब लाए थे तो पेटीकोट भी लेते, पूरा सेट लेना चाहिए था ना यार, मेरे दिमाग से। अब बंदा क्या करे बताओ, मेरे को इतना आइडिया था नहीं, काजल बताते तो मैं देखो ना। और ये है भी इतनी पतली कि इसके नीचे कुछ भी पहनोगे तो दिख रहा है। अब ये काजल का क्या फायदा हुआ मेरे साथ जाने का? पता नहीं, करती हूँ ब्लाउज भी टाइट करती हूँ और ये भी। आदमी को इतनी बेचैनी है गाइस, कुछ नहीं करने दे रहा शिल्पा को। हम शिल्पा की लुक अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, पर आप इसके बाल देख लो बस। आई राज सुहागन वाली, तो चुप हो सकती है। एगू सुंदर लगू,
करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ू नन्ने 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 नाई नन्ने। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत ही स्ट्रगल के बाद साहिल तो मुझे देख ही जा रहे हैं। ओहो उधर देखो साहिल ने, और साहिल ने पहना है ये। वैसे तो हम मैचिंग वैसे तो हम मैचिंग करने वाले थे लेकिन फिर हमारा मैचिंग हुआ नहीं और ये साहिली बैंगल्स लाए थे और ऐसे मैंने इनको बना लिया। ये मेरे झुमके और ये मेरा नेकलेस। ये झुमके गाइस दुबई से लाई है। ये झुमके सब अभी हमें ये हम प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे लुक दिखा, मैं बस ये दिखा रही थी कि मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ। आई रात हाँ। अरे सुंदर लग रही है, मैं ही तो लाई चूज करके साड़ी का इस बताने बहुत अच्छी साड़ी है साहिल जी, बहुत ही अच्छी चूज करके बहुत ही अच्छी। गाइज अब तक तैयार होने के बाद सीधा क्या होता है आपको पता है, चक्कर आते हैं जब आपका फास्ट होता है। तो अभी पहले हमें कथा सुननी है, उसके बाद फिर हमें रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद हम सो जाएंगे ताकि हमें और भूख ना लगे, और सीधा रात को जब चांद सामने आएगा तब मैं आपको मिलूंगी। लेकिन अगर हमने कथा सुनने, मामा को मैंने कॉल किया है कि वहाँ पे होता है ना कोई भी हमारे सोसाइटी के पार्क में ऐसे होता है, सब अगर बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो मुझे वहाँ शर्म आती है तो मैं उधर तो नहीं जाऊंगी। और मैं अपनी थाली भी आपको दिखा दूँ। दिखाओ दिखाओ थाली, दिखाओ भाई, ये देखो एस लव है, ब्यूटीफुल थाली, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इस पे ऐसे लिखा हुआ है एस लव एस, और ये देख पीकॉक है ना, कितनी सुंदर, काफी सुंदर है। तू यार मेरी साइल की थोड़ी सी ना पिक्चर्स क्लिक कर दे, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलती होगा इस, ठीक है? ओके यहीं कराओगे? ऐसा होना भी चाहिए, हमें नहीं पता आपका फोन कहाँ है। थक गए गाइस आज तो, पर चंदा मामा आ गए हैं इसलिए हम छत पे जा रहे हैं। काजल ने पल्लू दे देगी यार सर पे रखने के लिए, जरूरी थोड़ी है सर पे रखना। नहीं यार साहिल जी एक वो भी होती है अपने, एक तहजीब भी होती है, ऊपर कर लेंगे ना, फिर ऊपर यहीं से करवा देना, वो पिन लगा हुआ है ना वो निकाल दो मैं, मुड़ मत। अच्छा मेरी अकेले की वीडियो बना दी थी? हाँ बना दी थी। नहीं बनाई। क्यों शनाब कितने गोरे लग रहे हो? फिर नहीं निकालो पिन बनानी तो अकेले ऊपर से आके बना लेते हैं ना, फिर पिन लगाएगी इधर पिन लगेगा। दिखाना चाहना एक बार पल्लू करके ने 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 ने। हमको भी है प्यार, तुमको भी है। ये कौन सा गाना है भाई? ये क्या कर दिया तूने? यहाँ लगा दोगी मैम पिन? अरे मत लगवा वहाँ पिन, गंदे लग रही है। लगा दे यार जल्दी खा दे, कितना लगा दे। ऐसे रखते थे पहले की शादियों में नोट सर पे बड़े बड़े। सही है चलो यार, बिल्कुल न्यूली मैरिड वाली वो आ गया, कितने अच्छे लग रहे हो। ये लो ये मैं लेके चलता हूँ, ये आप लेके चलिए। दिया सब कुछ रखी है हाँ, सब कुछ वो मैच बॉक्स। हाँ सब है, सब है। चलो इसे चल क्या सुनो पीछे से बना रही आराम से चल, इसलिए बना रही है तो मुझे कंटेंट मिल रही शिल्पा। एक फोटो ऐसे भी खींचूंगी कि पीछे मून दिखेगा और आगे तुम दोनों, और ये ऐसे। अरे वो तो कर लियो ना नीचे। वो भी शुरू हो गया नीचे। आई रात सुहागो वाली टेने ने। शिल्पा ऑपोजिट खड़ी है, चांद तो पीछे है ना, साहिल को इधर होना चाहिए जहाँ तू खड़ी है बस। हाँ हाँ गाइस मैं थोड़ा इधर आ जाती हूँ। चांद को देखूं करवा चौथ का व्रत मैं,
पहले तू नहीं पिलाएगी साहिल को? नहीं, पहले मैं पिलाऊंगा ना। अरे तो कैंडल है। अच्छा ओ तेरे, ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया ये? सो गाइस, मेरा फास्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब जाएंगे हम खाना खाने। वैसे साहिल का प्लान है बाहर डिनर कराने का, साहिल का प्लान है बाहर डिनर करने का, लेकिन मामा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, तो हम सब मिलके अब फैमिली डिनर करने वाले हैं। और मेरी लुक और साहिल की लुक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आपको न्यू 15 प्रो मैक्स की क्लियरिटी कैसी लगी। ये साहिल के फोन से आज का व्लॉग शूट हुआ है, तो थैंक यू सो मच साहिल जी, फोटोज तो बहुत अच्छी आई। नहीं सुना, ये फोन आपका ही है? नहीं मुझे नहीं चाहिए, सच में मेरे को नहीं चाहिए। प्लीज साहिल जी अभी मत करो, ये मेरे साथ मत करो, मैं अपने फोन के साथ बहुत हैप्पी हूं। चलो ठीक है, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसका व्लॉग भी देख लेना, इसने भी फास्ट किया था, और फाइनली इसने रिवील किया कि इसने किसके लिए फास्ट किया था। जा काजल, मैं बाय कर लूं। मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय।